I am faculty of Sandipani High Secondary School. Today we will start new chapter, lesson number 15 of class 6th, our national symbol. ठीक है, आज हम क्लास 6th के लिए नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. आपकी बुक में लेसन नंबर 15 है. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द नेशनल सिंबल. मतलब जो हम इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेशनल सिंबल. हम हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, जो भी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनके बारे में इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. अब हम बात करें, आप क्या होता है बेटा, हमको सभी को अपने क्या है, राष्ट्र से बहुत प्यार है. वी लव अवर इंडिया. मतलब हम हमारे देश का या हम हमारे राष्ट्र चिन्हों का बहुत सम्मान भी करते हैं. ठीक है, हम सभी लोग हमारी राष्ट्र से जो छोटी चीज़ें हैं उनका पूर्णता और एक हृदय से हम लोग सम्मान करते हैं. अब इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड टू आइडेंटिफाई अवर नेशनल सिम्बल्स, एम्बलम, फ्लावर, बर्ड एंड एनिमल. ओके, फिर हम पढ़ेंगे नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम के बारे में पढ़ेंगे एंड डायरेक्टिव्स रिगार्डिंग द वोट. उसके बाद हम पढ़ेंगे द नेशनल फ्लैग एंड हाउ टू शो हॉनर टू इट. ओके, तो अवर हम हमारे बात करें कि नेशनल सिंबल कौन कौन से हैं. तो देखो क्या है, मतलब जैसे यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सारे नेशनल सिंबल दिए हुए हैं आपको. ठीक है, कंबाइन दिए हैं. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सेपरेटली. हम सेपरेटली भी इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. अभी यहाँ पे जो अपने को सिंबल दे के रखे हैं, क्या कर क्या दिया हुआ है, कंबाइन दिया हुआ है. जैसे कि अब हम बात करें अवर नेशनल फ्लैग. नेशनल सिंबल हमारे कौन कौन से हैं, जैसे कि नेशनल फ्लैग हो गया, हमारा नेशनल एम्बलम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल एंड नेशनल फ्लावर. नॉट ओनली सिंबलाइज अवर नेशनल यूनिटी बट आर ऑल्सो द सिंबल ऑफ अ फ्रीडम. ओके, अब इट इज़ अवर ड्यूटी टू ऑनर द नेशनल सिंबल. बेटा ये हमारी ड्यूटी होती है, हमारी एक फॉरेन मोस्ट ड्यूटी है कि वी हैव टू ऑनर द नेशनल सिंबल. ओके, इफ हियर सो मैनी नेशनल सिंबल्स आर देयर एंड फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेशनल फ्लैग. हम सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे, नेशनल फ्लैग के बारे में डिस्कस करेंगे. अवर नेशनल सिंबल फर्स्ट इज़ अवर नेशनल फ्लैग. फ्लैग आप सभी ने देखा है, ठीक है, फ्लैग अपन ने सभी ने देखा है ना. फ्लैग में कितने कलर्स होते हैं बेटा, 3 कलर्स होते हैं. अवर ट्राई कलर नेशनल फ्लैग हैज़ 3 स्ट्रिप्स इन इक्वल प्रपोर्शन अक्रॉस इट. मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, हमारा नेशनल फ्लैग है. नेशनल फ्लैग में हम देखते हैं 1, 2, 3 स्ट्रिप्स होती हैं और ये क्या होती है, इक्वल होती है. मतलब इक्वल प्रपोर्शन होता है इनका. द अपर मोस्ट स्ट्रिप इज सेफ्रॉन इन कलर, मिडिल इज, जैसे कि आप देख सकते हैं, मिडिल इज वाइट एंड बिलो इट ग्रीन स्ट्रिप. यहाँ पे हमको सबसे पहले कौन सा कलर दिख रहा है, सेफ्रॉन कलर. सेफ्रॉन मतलब केसरिया कलर. नेक्स्ट हम आएंगे तो यहाँ हमको कौन सा कलर दिख रहा है बेटा, यहाँ पे वाइट कलर. एट लास्ट हम देख सकते हैं ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर. ओके, द अब उसके बाद द लेंथ एंड ब्रिथ ऑफ द फ्लैग आर 3:2 प्रपोर्शन. जो लेंथ और ब्रिथ होती है, लेंथ मतलब लंबाई, ब्रिथ मतलब चौड़ाई. ठीक है, लेंथ एंड ब्रिथ जो है हमारे फ्लैग की बात करें हैं तो कितनी है, 3:2 प्रपोर्शन. देयर इज़ अ ब्लू विल ऑन द वाइट स्ट्रिप. अब आप जो ये वाइट स्ट्रिप है, यहाँ पे क्या देख सकते हैं, एक आपको ब्लू विल दिख रहा है, ना नेशनल फ्लैग में. उसके बाद देयर आर 24, यहाँ पे 24 स्पोक्स होते हैं. ये आपके जो ये ऐसे डंडी दिख रही है ना, ये टोटल कितनी होती है, 24 होती है. दिस चक्र हैज़ बिन टेकन फ्रॉम अशोक चक्र ऑफ सारनाथ. ये चक्र कहाँ से लिया गया है, फ्लैग में जो ये चक्र है ये कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम अशोक चक्र से. ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप पढ़िए, एवरी फ्री नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन फ्लैग. सभी
जो फ्री मतलब कि जो आज़ाद राष्ट्र है सबका अपना क्या है, एक झंडा है। जैसे कि हम हमारे नेशनल फ्लैग का बहुत सम्मान करते हैं, ठीक है, ऐसे सभी लोग सभी राष्ट्र अपने अपने फ्लैग का, सभी अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज का पूर्ण रूप से क्या करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं और सम्मान करते हैं। इट इज़ अ सिंबल ऑफ फ्री कंट्री। ये किसका सिंबल है कि हमारी जो हमारा देश है वो आज़ाद है, फ्री कंट्री का। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज़ अ हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर ऑफ डीप सैफ्रॉन केसरी एट द टॉप, वाइट इन द मिडिल एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम ऑफ इक्वल प्रपोर्शन। जैसे कि मैंने आपको समझाया, तीन अपने को यहाँ पे ये जो तीन पार्ट है तीनों इक्वल है, इक्वल प्रपोर्शन में है। सेंटर में आपको नेवी ब्लू ये व्हील दे के रखा है, इसमें 24 स्पॉक्स है। इट्स डिज़ाइन इज दैट द व्हील विच अपेयर्स ऑन द अबेकस ऑफ सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, इट हैज़ 24 स्पोक्स। ओके, अब हम बात करें हमारे जो तिरंगा है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रध्वज है, उसमें तीन कलर है। तो हम ये देखें तीन कलर किसको मतलब किसको दर्शाता है, किसको सिंबलाइज करते हैं। अब हम करें सेफ्रॉन कलर की बात। जैसे कि स्टार्टिंग में हमको कौन सा कलर देके रखा है, सेफ्रॉन कलर, तो हम सेफ्रॉन कलर की बात करें। तो जो सेफ्रॉन कलर है, सेफ्रॉन कलर किसको इंडिकेट्स करता है, किसको दर्शाता है, सेक्रीफाइस को, ब्रेवरी को एंड वेलर। इट रिमाइंड अस पेट्रियोटिज्म एंड सेक्रीफाइस ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, है ना। मतलब जो हमारे देश के लिए जिन फ्रीडम फाइटर्स ने बलिदान दिया है, हमारी आज़ादी के लिए बलिदान दिया है, तो ये सेक्रीफाइस को, बहादुरी को दर्शाता है। और ये जो सेफ्रॉन कलर है हमें रिमाइंड करवाता है, या फिर हमें ऐसा रिमाइंड करवाता है, हमें रिमाइंड क्या करवाता है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, आज़ादी के लिए जो लोग लड़े, उन्होंने अपना बलिदान दिया, तो इस चीज़ को हमें रिमाइंड भी कराता है। कौन सा कलर, सेफ्रॉन कलर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वाइट कलर। जब हम वाइट कलर की बात करें तो वाइट कलर किसको सिंबलाइज करता है, ट्रुथ और पीस को, सत्य शांति। ओके, जो वाइट कलर होता है वो किसको दर्शाता है, सत्य और शांति को। इट इंस्पायर अस टू ट्रूथफुल प्योर एंड सिंपल। हम इस कलर से इंस्पायर होते हैं, इंस्पायर होते हैं किस चीज़ के लिए, कि हमें सच बोलना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए और हमेशा सिंपल मतलब बिहेव करना चाहिए, किसी भी तरह से मतलब अशांति का व्यवहार नहीं बनाना चाहिए या हिंसा नहीं करनी चाहिए, है ना। अहिंसा जो है वो क्या होता है, उससे देश की जो शांति है उसका खंडन होता है, है ना। तो अपने को किसी भी प्रकार की गलत या फिर झूठ या फिर ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश में शांति भंग हो। ओके, उसके बाद हम बात करें थर्ड ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर सिंबलाइज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी। जो ग्रीन कलर होता है वो प्रोडक्टिविटी और प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। मतलब इट ऑल्सो डिपिक्ट्स फेथ एंड कमिटमेंट। ये किसको डिपिक्ट्स करता है, फेथ और कमिटमेंट को। सो दिस मच यू अंडरस्टैंड, इज देयर एनी डाउट हियर। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा जो चक्र दिया हुआ है बीच में, तिरंगे के बीच में, उसके बारे में। तो बेटा ये जो वाइट ब्लू व्हील होता है, ब्लू व्हील किसको मतलब अपन बोले, इसका खुद का एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, ऐतिहासिक महत्वपूर्णता है। किसकी, ब्लू व्हील की, क्या है ना। द किंग अशोक बिल्ट अ पिल्लर ऑफ एट सारनाथ इन अ मेमोरी ऑफ बुद्धास फर्स्ट प्रीचिंग विच ही डिड दियर। जो किंग अशोका थे उन्होंने क्या बनाया था, एक पिल्लर बनाया था। उन्होंने जब पिल्लर बनाया इन द मेमोरी ऑफ बुद्धास फर्स्ट प्रीचिंग विच ही डिड देयर। दिस व्हील ऑफ अशोक पिल्लर इज द सिंबल ऑफ रिलीजन। जो ये व्हील था अशोक पिल्लर का, ये एक सिंबल था रिलीजन का, धर्म का सिंबल था, ठीक है। इट सिग्निफाइज मोशन, प्रोग्रेस और चेंज। ये किसको सिग्निफाइज करता था, मतलब कंटिन्यू प्रोग्रेस को, मोशन को और कंटिन्यू बदलाव को, ठीक है। इट इंस्पायर टू बी ट्रूथफुल रिलीजियस एंड टेक अवर कंट्री टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब इसके हम इससे इंस्पायर होके क्या होता था ना, कि हमारी कंट्री इंस्पायर होती थी और कंटिन्यूसली या प्रॉस्पेरिटी की और या फिर इसके और वो बात करती थी। अब हम बात करें जो नेशनल फ्लैग है,
ओके, नेशनल फ्लैग अपन ऐसा बोल सकते हैं शुड बी हॉनर्ड वेयर इज होस्टेड. जब नेक्स्ट अब हम बात करें कि जब झंडा हम फहराते हैं, झंडा फहराते हैं तो क्या होता है, हमको खुद को क्या होता है, अपने आप में यह गर्व महसूस होता है क्योंकि हम हमारा नेशनल फ्लैग है और नेशनल फ्लैग का हम क्या करते हैं, सम्मान करते हैं. ठीक है, अब हम बात करें इट्स फंडामेंटल ड्यूटी एवरी सिटीजन टू ऑनर द नेशनल फ्लैग. हमारा जो नेशनल फ्लैग है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. जब हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी ये थी कि हमें हमारी हर नेक्स्ट या तो नेशनल प्रॉपर्टी हुई, नेशनल कोई इंस्टीट्यूशन हुआ या हमारे नेशनल सिंबल हुए, उसका पूर्णतः सम्मान करना है. ठीक है, तो अब हम देखें कि इट इज़ हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक सिटीज़न की कि वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें. नाउ लेट्स नो द रूल ऑफ होस्टिंग द फ्लैग. अब हम क्या देखेंगे कि क्या जब हम फ्लैग होस्ट करते हैं, जैसे कि आप देखते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं, तो हमें ये देखना है कि क्या रूल्स हैं, है ना. अब हम क्या देखेंगे कि क्या रूल्स हैं फ्लैग होस्टिंग करने के. सो फर्स्ट वी मस्ट स्टैंड इन अटेंशन व्हेन द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड. जब झंडा फहराया जाता है तो फर्स्ट थिंग इज दैट वी मस्ट बी स्टैंड इन अटेंशन पोजिशन. मतलब आपको जैसे कि आप स्कूल में प्रेयर करते हैं तो अटेंशन स्टर्निटीज हम करते हैं, आपको दोनों हाथ फोल्ड करके और अटेंशन वाली पोजीशन में खड़े रहना है जब झंडा फहराते हैं. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, व्हेन द नेशनल फ्लैग इज रेस्ट द सैफ्रॉन कलर स्ट्रिप शुड बी ऑन टॉप. जब झंडा फहराया जाता है तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर सैफ्रॉन कलर की पट्टी होनी चाहिए. ठीक है, सबसे ऊपर कौन सी पट्टी होनी चाहिए, सैफ्रॉन कलर की, केसरिया कलर की पट्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए. थर्ड पॉइंट, द नेशनल फ्लैग शुड बी होस्टेड फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इन ऑल द इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड इट शुड ऑलवेज बी टेकन डाउन आफ्टर सनसेट. जब हम झंडा फहराते हैं या किसी नेशनल गवर्नमेंट बिल्डिंग पे हुआ या हम हमारे स्कूल में भी झंडा फहराते हैं तो इट शुड बी ऑलवेज टेकन डाउन आफ्टर सनसेट. सनसेट के बाद, सनसेट के बाद मतलब जब सूर्य उदय होता है तब नहीं, जब सूर्य डूबता है उसके पहले हमको हमारा झंडा निकाल लेना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट रूल इज़ वी कैन नो होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑफ ऑन आवर हाउसेज ऑन नेशनल फेस्टिवल. अब हम बात करें, अच्छा दिस मच पॉइंट यू अंडरस्टैंड, इज देयर एनी, है ना. नाउ नेक्स्ट पॉइंट यदि हम देखें कि वी कैन नाउ द होस्ट फ्लैग नेशनल फ्लैग ऑन आवर हाउसेज ऑन नेशनल फेस्टिवल. जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार आते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार पे हम हमारा जो फ्लैग होता है उसको हमारे घरों मतलब घरों के ऊपर या फिर घरों में लगा के भी हम फ्लैग होस्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो नेशनल फ्लैग, उसके बाद हम ये बोले द मॉडल ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947. ठीक है, जो मॉडल है नेशनल फ्लैग का वो अडॉप्टेड किसके थ्रू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू. और कब हुआ था, यू हैव टू रिमेंबर द डेट, 22 जुलाई 1947. ठीक है, सो टुडे वी डिस्कस्ड अवर फर्स्ट नेशनल सिंबल नेशनल फ्लैग. राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हमने पढ़ा, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हमने क्या पढ़ा, 3 लाइन स्ट्रिप होती है इसमें, थ्री स्ट्रिप होती है, 1 2 3. फर्स्ट सैफ्रॉन कलर, वाइट कलर, ग्रीन कलर, बीच में यहाँ पे हम देखें एक ब्लू व्हील होता है, उसमें 24 स्पोक्स होती है. ये व्हील जो है कहाँ से लिया गया है, अपना अशोक से चक्र से लिया गया है. और उसके बाद यदि हम बात करें कि इसका जो प्रोपोर्शन होता है आपस में इक्वल होता है, 3:2 होता है. उसके बाद हमने क्या देखा कि हमें हमारे जो राष्ट्र ध्वज है उसका पूर्ण रूप से सम्मान करना चाहिए. राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कुछ रूल्स भी देखे हमने, और ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि हमें हमारे नेशनल सिंबल्स का बिल्कुल सम्मान करना है हार्डली. उसके बाद हमने रूल्स देख लिए, रूल्स में हमने देखा हमेशा हमें अटेंशन में खड़ा होना चाहिए जब फ्लैग होस्टिंग होती है,
जब हम झंडा फहराते हैं सबसे ऊपर सेफ्रॉन कलर होना चाहिए। जब झंडा किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में, स्कूल में या कहीं पे भी फहरा रहे हैं तो सनसेट के बाद हमको झंडा निकाल लेना चाहिए। उसके बाद जब हम, यदि हमारे घर पे भी हम नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो हम झंडा फहरा सकते हैं। और जो हमारा मॉडल है नेशनल फ्लैग का, वो किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। और कब किया था? 22 जुलाई 1947। ओके, इज देयर एनी डाउट हियर अबाउट नेशनल फ्लैग? ओके, सो टुडे वी कंप्लीटेड दिस फर्स्ट वन। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मोर नेशनल सिम्बल्स। थैंक यू।